हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस मॉडल के बारे में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसी मॉडल को हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसमें आपको 5 बेडरूम मिलेगा। इसकी सारी डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, इसकी साइज़ की बात करें तो चौड़ाई 35 फीट है और लंबाई की बात करें तो 35 फीट है लंबाई। कंस्ट्रक्शन की साइज़ बता रहे, प्लस ये पॉर्च आपको 8 फीट का मिलता है। इसमें आपको 5 बेडरूम मिलेंगे दोस्तों, जो कि हम लोग अभी देखेंगे। और इसकी ये एलिवेशन की डिज़ाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे छत में तीनों साइड में हमने डिज़ाइनिंग की हुई है। आपको पॉर्च का भी डिज़ाइनिंग देख सकते हैं यहाँ पे सिमिलर बनाया गया है। इसकी विंडो की भी डिज़ाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा जो क्लाइंट है उसका प्लॉट में दोनों साइड में स्पेस है, तो हमने 2-2 फीट का यहाँ पे 2.5-2.5 फीट का स्पेस दिया हुआ है वेंटिलेशन के लिए। दोस्तों, हम लोग यहाँ से ये देख सकते हैं, ये थोड़ा दूर से करके दिखाते हैं, ये हमारा बाउंड्री है। अगर आपके पास इतना जगह नहीं है तो सिर्फ आप कंस्ट्रक्शन का साइज़ ले सकते हैं। इसके प्लॉट का साइज़ है 40 फीट बाई 60 फीट का। दोस्तों, ये हमारा लेफ्ट में हमारा इस साइड में 2 विंडो मिलता है आपको, और ये छत के लिए विंडो मिलता है। ये दोनों वेंटिलेशन आपको टॉयलेट के लिए है, और राइट में आपको विंडो मिलता है, तीन विंडो मिलता है राइट में, एक किचन का आएगा। दोस्तों, हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे घर की तरफ, उससे पहले आपको पॉर्च दिखा देते हैं। ये आपका पॉर्च यहाँ पे है, जिसकी साइज़ आपको मिलेगी 10 फीट बाई 8 फीट का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहीं से हमारा मेन डोर है, हम मेन डोर से अंदर जाएंगे घर के अंदर, तो हमें हॉल मिलता है यहाँ पे सामने में, जिसकी साइज़ आपको मिलेगी 10.5 फीट और चौड़ाई आपको मिलेगी 10 फीट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और 2 बेडरूम यहीं पे सामने में दिया गया है। हमारा एक सिमिलर प्लान है जिसका बेड डोर बाहर से दिया गया है, उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये बेडरूम बने दोस्तों, जिसकी साइज़ की बात करें तो 10.5 फीट बाई 10 फीट का, 11 फीट का हमारा बेडरूम बने, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके इंटीरियर डिज़ाइन के वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वो भी आप देख सकते हैं। और आपको इसका प्लान चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये हमारा पास इसका बेडरूम नंबर 2 है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी साइज़ की बात करें तो 11.5 फीट बाई 10.5 फीट का मिलेगा, जिसमें 2 वेंटिलेशन किया गया है, एक फ्रंट में एक राइट में यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमारा हॉल के बाद यहाँ पे हमारा डाइनिंग है, डाइनिंग टेबल यहाँ पे। अब इसकी साइज़ की बात करें तो 18 फीट आपको मिलेगी और लंबाई आपको 11 फीट, चौड़ाई आपको 11 फीट मिलेगी, लंबाई 18 फीट है। इसमें आपको 5 बेडरूम हमने बताया है, 5 बेडरूम है इसमें। उससे पहले हम लोग किचन देखते हैं। ये हमारा किचन है, जो कि डाइनिंग टेबल के बगल में एक डोर यहाँ पे दिख रहा होगा। इस किचन की साइज़ की बात करें दोस्तों तो 11 फीट बाई 7 फीट का हमारा किचन है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेंटिलेशन सब में ही किया गया है दोस्तों, क्योंकि हमारे दोनों साइड में स्पेस दिया गया है। उसके बाद किचन के अपोजिट में आएंगे तो हमारा ये स्टेयर है, और स्टेयर के नीचे में एक टॉयलेट मिलता है आपको, जो कि बेडरूम 2 से कनेक्टेड है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डोर, बताना भूल गए उस समय, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये कॉमन टॉयलेट का बाथरूम मिलता है स्टेयर के बगल में ही, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसकी डोर आप यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ पे हमने स्टेयर के यहाँ अंदर से दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डोर। थोड़ा सा जूम करके हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पे आप डोर देख सकते हैं। इसकी इंटीरियर डिज़ाइन वाले वीडियो में अभी आपको मिलेगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इस साइड में हमारा 3 बेडरूम मिलेगा। इस साइड में आपको 3 बेडरूम मिलेगा लाइन से, टॉप व्यू से हम दिखाते हैं आप लोगों को, जिसकी लंबाई सेम है 11 फीट, चौड़ाई में सबका थोड़ा डिफरेंस है। ये हमारा 1, 2, 3 बेडरूम इधर है लाइन से, जिसकी ये पहला का डोर यहाँ पे दिया गया है। जिसकी साइज़ की बात करें तो 11 फीट बाई 11 फीट है, दूसरे वाले का 10 फीट है चौड़ाई, लंबाई सेम है,
और तीसरे वाले का 11.5 फीट है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इसका डिटेल, उसके बाद हम लोग यहाँ से होते हुए छत में आएंगे। तो ये हमारा एक पॉर्च वाला है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे छत में हम लोग यहाँ पे आएंगे दोस्तों। तो छत घर का डिज़ाइन कुछ इस तरह से किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। आप लोग को अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग करवाना है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।